शनिवार को महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में हरिओम नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं सदर सांसद रवि किशन ने भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मां भारती के वीर सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जयंती है। मां भारती के वीर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना जीवन का त्याग अंग्रेजी शासन के प्रभुत्व के खिलाफ देश को दासता से मुक्त करने के लिए किया था। देश के प्रति इनकी निष्ठा और अटूट भक्ति करोड़ों को प्रेरित करती रहेगी। सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच पर पूरे देश में सारे क्रांतिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान दिया। इस अवसर पर महानगर के महामंत्री अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, देवीश श्रीवास्तव, सत्यम सिंह, रणजीत राय बड़े, रितेश सिंह, गौरव तिवारी, अशोक पांडे, ज्ञानेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, गुलशन श्रीवास्तव, सचिन गुप्ता, राकेश जायसवाल, अंकित मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के आज पुण्यतिथि पर मैं समस्त पूर्वांचल, समस्त ब्राह्मण समाज को शुभकामनाएं देता हूं, समस्त क्रांतिकारी परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे योद्धा, ऐसे क्रांतिवीर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये शुभकामना रहे कि हमारे भी घर में एक पंडित बिस्मिल जन्म लें। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज यही सोच पर आज समस्त देश में सारे क्रांतिकारियों को, क्रांतिवीरों को हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आके उनका सम्मान करते हैं, उनको दोबारा उनकी पहचान दिला के बार बार देश को, पूर्वांचल को यह याद दिलाते हैं कि पंडित जी ने हम लोगों के लिए कितनी बड़ी आहुति दी और जिसकी वजह से आज उनको पूजा जा रहा है। तो ऐसा कार्य हम लोग अपने जीवन में करें कि हम लोगों के मरणोपरांत हमारे भी लोग, हमारी पीढ़ी भी हम लोगों को ऐसे पूजे जैसे आज पंडित जी को पूजा जा रहा है। तो पंडित बिस्मिल मिश्र की आज जयंती पे हम सभी लोगों को प्रणाम करब और कहब हर हर महादेव। और इसी तरह आप लोग अपना भी जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि आप लोगों की पूजा हो, आप लोगों पर भी माला चढ़े, आप लोगों की कहानियों को भी बच्चों को पढ़ाया जाए। आज यही बात मैं आप सब लोगों के समक्ष सांसद गोरखपुर होने के नाते कहना चाह रहा हूँ। गोरखपुर मेरा संसदीय क्षेत्र है, पंडित जी की कहानी यहीं पर है और ऐसे चौरी चौरा को लेके एक फिल्म भी हमने बनाई है। पंडित जी पर भी मुझे एक फिल्म बनानी है, तो पंडित जी को लेके एक स्क्रिप्ट सोच रहा हूँ कि पंडित जी को लेके एक अच्छी कहानी मैं कैसे बनाऊँ। देखिए, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था, भारत माँ को आज़ाद कराने में जिन वीरों ने पूरा अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसमें से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जिला कारागार में उनकी फांसी हुई थी और आज 11 जून के दिन उनका जन्मदिवस है। इसलिए देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है, देश के हर युवा को का यह कर्तव्य बनता है कि वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों को याद करें जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको याद किया है, ताकि इस देश की युवा पीढ़ी
इनसे प्रेरणा ले सके कि देश के लिए समर्पण और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को याद करते रहें।